चंबा आईटीआई के छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल एडीएम चंबा से मिला। छात्रों व अध्यापकों का कहना है कि आईटीआई के साथ जनसाली मोहल्ला का सीवरेज आईटीआई में घुसने की वजह से छात्रों व अध्यापकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसकी वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। चंबा के जनसाली में सीवरेज की गंदगी से चंबा आईटीआई में गंदगी और दुर्गंध का आलम है। इस समस्या को लेकर आईटीआई का स्टाफ और छात्र शनिवार को जिला प्रशासन के द्वार पहुंचे। छात्रों द्वारा अपनी समस्या से संबंधित एक ज्ञापन पत्र एडीएम चंबा को सौंपा गया। आईटीआई में पेश आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी दिनेश कुमार ने बताया कि सीवरेज के कारण बदबू और गंदगी के मामले में वो आईपीएच विभाग से भी मिले हैं, लेकिन उनकी समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर एडीसी साहब से मिलने आए थे, कम से कम हमारे पास 15 से समथिंग स्टाफ मेंबर था और 100 के समथिंग हमारे स्टूडेंट थे। उन्होंने हमने आईटीआई में सीवरेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जनसाली वार्ड का सारा सीवरेज जो है वो आईटीआई के अंदर आता है और उससे हमारे को वहाँ पर क्लासेस लगाने में, हॉस्टल चलाने में और वहाँ के दैनिक कार्य करने में काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। इससे हमने आज पहले भी लिखित में हम ये कंप्लेंट आईपीएच विभाग को और नगर परिषद को दे चुके हैं और आज हम जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होने के कारण, परेशान होने के कारण जो है आज हम सभी हमारे आईटीआई के प्रधानाचार्य के परमिशन लेते हुए यहाँ पर जो है एडीसी साहब से मिलने आए थे, जिससे हमने कंप्लेंटें बता दी और उन्होंने जल्द ही इस समस्या का हल करने के लिए हमें आश्वासन दिया है। हमारी जो क्लासेज हैं वो इन सीवरेज के जनसाली से जो सीवरेज सारा आ रहा है वो इकट्ठा होने से क्लासेज डिस्टर्ब हो रही हैं, क्लासेज नहीं लग पा रही हैं और जिसको देखते हुए आज हमने ये निर्णय लिया कि हम एडीसी साहब से मिलें। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।